नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी के साथ साथ संघ परिवार ने भी अपनी कमर कस ली है। इसी को लेकर चित्रकूट के दीनदयाल उपाध्याय रिसर्च फाउंडेशन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक हुई है, ये रिपोर्ट देखिए। पांच राज्यों के होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि संघ की तैयारी चुनावों को लेकर बहुत पहले से ही शुरू हो जाती है। चित्रकूट के दीनदयाल उपाध्याय रिसर्च फाउंडेशन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक हुई। बैठक की गोपनीयता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि करीब 3 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग की गई है। 5 जिलों सतना, सीधी, शहडोल, बांदा और चित्रकूट की पुलिस पहरेदारी में तैनात है। बैठक में रियल या वर्चुअल किसी भी तरह से शामिल लोगों को हिदायत दी गई है कि वे अंदर की किसी बात का बाहर जिक्र ना करें। सूत्रों की माने तो मंथन के दौरान देश में चर्चित सबसे अहम मुद्दों के लिए मास्टर प्लान बनाने की दिशा में काम चल रहा है। धर्म, संस्कृति और सियासत तीनों मोर्चों पर संघ के भीतर ब्रेन स्टॉर्मिंग जारी है। संघ के पदाधिकारियों ने हर मुद्दों पर घंटों बहस की। बैठक में धर्म परिवर्तन के खिलाफ केंद्रीय कानून की जरूरत को लेकर एक राय है। सूत्रों के मुताबिक संघ मोदी सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखेगा कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ केंद्रीय कानून बने, ऐसा करने वालों को गंभीर सजा हो। हालांकि अभी इस पर दुविधा है कि इस कानून को 2024 के मैनिफेस्टो में दर्ज कर उसे चुनावी मुद्दा बनाया जाए या फिर लोकसभा चुनाव से पहले पारित कर इसे अपनी उपलब्धियों में देश में मुसलमानों की बढ़ती आबादी संघ के लिए चिंता का बड़ा सबब है। इस मुद्दे पर भी केंद्रीय कानून जल्द से जल्द लाने की रणनीति को लेकर भी विचार विमर्श कर रहा है। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए संघ ने प्लान लगभग तय कर लिया है। दरअसल चर्चा ये भी है कि ब्लॉक प्रमुख पद के लिए हुए चुनाव में भी संघ का ही फॉर्मूला लगाया गया। कई विधायकों के टिकट कटने तय हैं। इनमें से कईयों की पत्नियों या करीबियों को ब्लॉक प्रमुख के टिकट देकर संतुष्ट भी किया जा चुका है। लिहाजा टिकट आवंटन से लेकर योगी की छवि में सुधार तक को लेकर संघ काम करेगा। संघ के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर ये बात साफ करेंगे कि केंद्रीय नेतृत्व और योगी सरकार के बीच कोई मतभेद या मनभेद नहीं है। योगी सरकार से जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। यूपी कैबिनेट रीशफल भी केंद्र की तर्ज पर बड़े स्तर पर करने की तैयारी है। संघ इस रीशफलिंग में भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी संघ ने तैयारियां की है। इस दौरान संघ बेहद सक्रिय दिखेगा। क्षेत्र प्रचारकों और प्रांत प्रचारकों से कोरोना की थर्ड वेव को लेकर प्लान मांगा गया है। उनसे ये पूछा गया है कि सेकेंड वेव में संघ के कार्यकर्ता जमीन पर क्यों नहीं दिखे, सेवा कार्य को लेकर संघ की चर्चा क्यों नहीं हुई। सभी को हिदायत दी गई है कि थर्ड वेव में संघ की चर्चा सेवा कार्यों के लिए होनी चाहिए। गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में क्षेत्र प्रचारक और प्रांत प्रचारक शामिल हुए हैं। 9 से 10 जुलाई को 11 क्षेत्रों के क्षेत्र प्रचारक शामिल हुए तो 12 जुलाई को देश भर के 45 प्रांतों के प्रांत प्रचारकों और सह प्रांत प्रचारकों ने हिस्सा लिया। कुल मिलाकर 50 से 55 लोग चित्रकूट पहुंचे और करीब 250 लोग वर्चुअली इससे जुड़े। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70,00,000 से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी